अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज की रेसिपी में हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड का हलवा। सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से हम ब्रेड का हलवा बनाएंगे फ्रेंड्स, और बहुत ही मजे का ये हलवा बनता है। तो ये हमने ब्रेड की कुछ स्लाइस ले ली है, करीब 5 से 6 स्लाइस है ये। तो इसी का हमें ये हलवा बनाना है। कुछ ड्राई फ्रूट्स है इसमें, काजू बादाम चिरौंजी और किशमिश मिक्स है। आप चाहे तो आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो वो आप डाल सकते हैं इसमें। ये 25 ग्राम खोया हमने लिया है इसमें। आपको खोया अगर नहीं डालना है तो आप मिल्क पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कैसे हम बनाते हैं ये ब्रेड का हलवा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने तेल को गर्म होने के लिए पहले से ही रख दिया था मीडियम फ्लेम पर। आप चाहे तो इसे घी में भी फ्राई कर सकती हैं, पर ये घी में जमने लगेगा, इसलिए हमने घी और रिफाइंड ऑयल दोनों मिक्स करके लिया है। तो ये तेल हमारा गर्म हो चुका है, तेल गर्म हो चुका है। चलिए एक एक ब्रेड हमें डालकर इसको हमें डीप फ्राई कर लेना है। और गैस का फ्लेम आपको मीडियम ही रखना है, मीडियम फ्लेम पर आप इसको फ्राई करेंगी, क्योंकि कलर इसमें बहुत जल्दी ही आ जाता है। दो ब्रेड के स्लाइस आ जाएंगे इसमें फ्रेंड, तो दो दो करके हम इसको फ्राई कर लेंगे इस तरह से। और ज़्यादा डार्क हमें कलर नहीं रखना है, इस तरह का कलर रखना है। इसको भी हम पलट लेंगे, इसकी साइड चेंज कर लेंगे। ये ब्रेड हमारा फ्राई हो चुका है, ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आ चुका है। अब इसे हम बाहर निकाल लेंगे। जितना भी एक्स्ट्रा तेल है उसको आप इस तरह से निकाल लीजिए। हमारा फ्राई हो चुका है, ये देख लीजिए इसमें भी अच्छा सा कलर आ चुका है। इसे भी हम निकाल लेंगे बाहर। और ब्रेड हम फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए कलर आ चुका है इसमें भी। चलिए जब हम निकाल लेते बाहर फ्रेंड, जितने भी ब्रेड है हमें इसी तरह से फ्राई कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, सारे ब्रेड हमने फ्राई कर लिए हैं। आप चाहे तो इसे मिक्सी जार में ग्राइंड भी कर सकते हैं, या बेलन से, या कुछ ऐसा सामान हो आपके पास तो इस तरह से आप क्रश भी कर सकते हैं इसको। इस तरह से बहुत ही आसानी से टूट जाएगा, ये देखिए टूट गया ना। आपको इस तरह से क्रश कर लेना है, या फिर मिक्सी जार में भी आप ग्राइंड कर सकते हैं। हमें इस तरह से ये तोड़ लेना है, ये देखिए। तो सारे हमें इसी तरह से कर लेने हैं, इसे हम साइड में रख लेंगे। ये फ्रेंड, सारे ब्रेड को हमने क्रश कर लिया है इस तरह से। चलिए आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो इसको हम बनाते हैं। देखिए फ्रेंड, पैन को हमने गैस पे रख दिया है। अब इसमें हमें ये 1 चम्मच घी ऐड कर देना है। इसी में ये करना, इस तरह से हमें फैला लेना है पूरे में। अब इसी में हमें ये ड्राई फ्रूट ऐड कर देने हैं। गैस का फ्लेम आपको मीडियम ही रखना है, मीडियम फ्लेम पे आप इसको ड्राई फ्रूट कर लें, ताकि इसमें इस तरह से चलाते हुए आप ड्राई रोस्ट कर लें इसको। देखिए किशमिश हमारी फूलने लगी है। तो ये हमारे ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो चुके हैं, चलिए अब इनको बाहर निकाल लेते हैं। तो जो घी है इसमें हमें ये 1 छोटी इलायची ऐड कर देना है। ज्यादा घी हमें ऐड नहीं करना है अब इसमें। इसी के साथ हमें ये चीनी ऐड कर देना है, ये 4 से 5 चम्मच है चाय वाला। अगर आपको मीठा ज्यादा पसंद है तो आप और चीनी ऐड कर सकते हैं, पर हमें चीनी इतनी ही चाहिए। आप इस तरह से इसे मिक्स कर लीजिए। हमें कैरमल नहीं बनाना है, बस इसमें थोड़ा सा घी में इसको आप इस तरह से चला लीजिए। इसके बाद हमें ये 1 कप पानी ऐड कर देना है इसमें। गैस का फ्लेम आपको मीडियम ही रखना है। जब तक हमारी चीनी नहीं घुल जाती है तब तक के हमें इस तरह से चला लेना है, और एक बॉयल आने तक के हमें वेट करना है फ्रेंड। देखिए फ्रेंड्स, बॉयल आ चुका है और चीनी भी हमारी अच्छे से घुल चुकी है, ये देखिए। तो चलिए अब इसमें हमने ब्रेड फ्राई किया था उसको हम इसमें ऐड कर देते हैं। अब इसे हमें मिक्स कर लेना है अच्छे से, और इसे 2 से 3 मिनट इसी में हमें पका लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत जल्दी ये हलवा बनकर रेडी हो जाता है, और खाने में तो औसम है फ्रेंड्स। सूजी के हलवे से भी बेस्ट लगता है ये।
फ्रेंड आप चाहे तो इसमें फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, पर हमने इसमें फूड कलर ऐड नहीं किया क्योंकि हमने इसको हमने फ्राई किया था तो इसमें गोल्डन कलर आ गया है, तो हमें ये गोल्डन कलर का ही हलवा चाहिए, हमें इसमें कलर ऐड नहीं करना है। आपको अगर चाहिए तो आप कलर ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, अगर आपको घी कम लगे इसमें तो एक चम्मच घी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, पर घी एकदम परफेक्ट है, हमें घी ऐड नहीं करना है। अब इसी में हमने जो ड्राई फ्रूट रोस्ट किया था इसमें हम डाल देंगे, अभी डाल के हमें अच्छे से इसे भी मिक्स कर लेना है इसी में। इस पॉइंट पे फ्रेंड्स हमें ये खोया भी ऐड कर देना है इसी में, और इसे भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है साथ में, ताकि ये खोया और हमारा ड्राई फ्रूट्स और ब्रेड सब एक साथ मिक्स हो जाए इसी में। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ब्रेड हलवा बनकर रेडी हो चुका है, तो गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं और चलिए इसको डिश आउट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा यम्मी सा हलवा बनकर रेडी हो चुका है। ये देखिए कितना अच्छा इसका टेक्सचर दिख रहा है। फ्रेंड्स, ब्रेड तो हर घर में अवेलेबल होती है, आपका जब भी मन करे मीठा खाने का तो आप झटपट से ये ब्रेड हलवा बनाकर खा सकते हैं, और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है ये हलवा। ज्यादा सामान भी नहीं लगता है इसमें और कम चीजों में ही बन जाता है ये हलवा। देखिए फ्रेंड्स, ब्रेड का हलवा बनकर रेडी हो चुका है, तो चलिए इसमें थोड़ा सा हमें ये खोया भी ऐड कर देना है इसमें इस तरह से। आपको ये हलवा कैसा लगा है, और जरूर ट्राई करिएगा, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में जरूर शेयर करिएगा, बहुत ही मजे का यह हलवा बनता है, आप जरूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।